रायपुर में विधानसभा घेराव के आंदोलन के दौरान पुलिस से मारपीट और बदसलूकी मामले में मेयर एजाज ढेबर पर FIR हुई है, जिसके बाद ढेबर ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के वीडियो जारी करने के बाद पुलिस अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसा कर रही है। महापौर ने कहा कि राजधानी अब चाकूपुर बन गया है, साय साय की सरकार ठाए ठाए की सरकार बन गई है, यहाँ क्राइम बढ़ रहा है, जो अपराध कर रहे हैं उनको पकड़ो, पुलिस मुझ पर बीजेपी IT सेल से वीडियो जारी होने के बाद कार्रवाई कर रही है, मुझ पर राजनीतिक द्वेष के चलते FIR हुई, मुझ पर आज तक ऐसे गंभीर आरोप नहीं लगे थे। आपको बता दें कि रायपुर में मेयर एजाज ढेबर पर गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। तो वहीं आज उन्होंने खुद के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे पीटा गया और मेरे खिलाफ ये FIR की गई है। ये वीडियो है, ये देखिए, जिसमें लोग पहले मेरे को ढकेल रहे हैं, ये वीडियो है जिसमें पहले मेरा गला दबा है, ये वीडियो है उनके बाद का वीडियो उन्होंने दिखाए, पहले मुझे लोग मेरा गला दबा रहे हैं, मेरे को कपड़े हो रहे हैं, मेरे को डंडा जिससे मारे जिससे मेरा पगली टूटने के कगार पर आ गया है, ये हुआ ना वीडियो, इसीलिए मैं उनके लिए तो है। देखिए पहले मेरे को मार रहे हैं लोग, दूसरा एक्सरे मेरे पास में जिसमें साफ साफ दिख रहा कि मेरे को साइड पगली में एनर्जी हुई है, मतलब मेरे को वहां पर बहुत बड़ी चोट आई है, और एक मेडिकल रिपोर्ट भी है जहां पर मैंने जिला हॉस्पिटल से करवाया, ये उसकी मेडिकल रिपोर्ट है जहां पर मैंने अपना इलाज कराया, जहां पर मैं पूरा 1.5 दिन एडमिट रहा। नहीं मतलब मैं सही में अपनी राजनीतिक लाइफ में बहुत दुखी हूँ, मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ, मैंने कभी भी राजनीतिक द्वेष से या कभी भी इस तरीके की कभी हम लोग घटना नहीं घटी, मेरे साथ पहली बार हुआ है, मैं वाकई में बहुत ज्यादा अपसेट हूँ, कल रात में अपनी सोया हूँ, डर की वजह से नहीं, ये इस तरह की घटना इस तरीके की झूठी FIR जो हुई है उसको लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ कि ये पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, आज हम लोग अपने लीगल जो भी हम लोग उसकी राय लेंगे, हमारे संगठन से बात भी करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष से भी बात करेंगे और लगेगा फिर जाके वहां पर FIR भी कराएंगे। और मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है कि मेरे ऊपर पहली बार इतने सारे अपराध पंजीबद्ध किए गए, मैंने अपने पूरे कैरियर में पिछले 20 साल में मेरे ऊपर इतने कभी गंभीर आरोप नहीं लगे, इतना मेरे ऊपर केस नहीं लगा जो मुझे अभी केस लगाया गया। क्या जो पुलिस वाले मुझे मारे, जो पुलिस वाले ने मेरे ऊपर प्रहार किया, जो पुलिस वाले ने मेरी तस्वीर तोड़ी, क्या उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलेंगे या यहाँ के SP क्या उनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध करेंगे, क्या उनके ऊपर अपराध दर्ज किया जाएगा, जो अपराध मेरे ऊपर दर्ज हुआ क्या सेम अपराध उनके ऊपर दर्ज होगा। मुझे डराने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे चुप करने का प्रयास किया जा रहा है, मगर मैंने कभी आज तक अपने लाइफ में कोई गलत काम नहीं किया है। अब यदि पुलिस वाले की बात से अगर मैं उनका सम्मान करता हूँ और हमेशा मैंने उनके सम्मान को किसी से देखा है, वो किसी के कहने पर अगर किसी के कहने पर FIR कर रहे हैं तो जरूर ये बात को ध्यान रखना चाहिए, ये घड़ी का काटा है, समय का परिवर्तन है, समय आज इधर है तो समय कल उधर भी होगा, और जब उधर होगा तब उस समय फिर आपको देखेंगे। देखिए मैं न्यायालय का पूरा सम्मान करता हूँ, मैं पुलिस का भी बहुत सम्मान करता हूँ, मैंने आज तक कभी किसी पुलिस वाले से बदतमीजी नहीं करी, आप सब लोग जानते हैं पिछले 5 साल में भी मुझे मेरे कार्यकाल का हमने देखा, इससे पहले भी मैंने कभी कोई बदतमीजी आज तक मैंने कभी नहीं की। हाँ ये जरूर है कि न्यायालय में जहाँ पर बात बनेगी न्यायालय में भी हम लोग जाएंगे और लगेगा तो उसमें हम लोग अपनी जो भी राय लेंगे, जाकर हम SP साहब के पास भी जाएंगे और उनको भी निवेदन करेंगे, उनको भी बोलेंगे कि भाई जैसा आप हमारे पर FIR कर दिए वैसा आप अपने पुलिस वाले को भी FIR करो।